दोस्तों 10 अप्रैल 2024 को इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया जहां उन्होंने बताया वो जल्दी ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलने इंडिया आ रहे हैं। अब इस ट्वीट के बाहर आते ही अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। जैसे अगर हम द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके अनुसार इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत के अंदर $2-3 बिलियन सिर्फ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे न सिर्फ टेस्ला को फायदा होगा बल्कि ये इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों इसी बीच चाइनीज मीडिया इस खबर को लेकर जिस तरह से अपना रिएक्शन दे रही है वो थोड़ा शर्मनाक है इलॉन मस्क के ट्वीट के। अगले ही दिन चाइनीज मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने 5 मिनट 31 सेकेंड्स का एक डेडिकेटेड वीडियो लॉन्च किया जहां उसने बताया कि आखिर क्यों टेस्ला को भारत के अंदर नहीं आना चाहिए। साथ ही अपने वीडियो में चाइनीज मीडिया ने इंडिया के अंदर के इकोसिस्टम को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि टेस्ला के भारत आने की खबर से चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब टेस्ला खुद एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, इलॉन मस्क खुद इंडिया आना चाहता है, तो ऐसे में चाइना को यहाँ क्या प्रॉब्लम है? चाइना इंडिया में ऐसी कौन सी ग्रोथ पोटेंशियल देख रहा है जो खुद अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू इंडिया में बेचना चाहता है बट टेस्ला को इंडिया आने से रोक रहा है? इसके अलावा चाइना जो आज इंडियन इकोसिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर वो अपने खुद के देश की सच्चाई क्यों नहीं बताता? कैसे चाइनीज सरकार शुरू में तो बहला फूसला कर फॉरेन कंपनीज को चाइना में लाती है, उसके बाद जब उसके अल्टरनेट में कोई लोकल चाइनीज कंपनी ग्रो करती है तो फिर उसी फॉरेन कंपनी को बैंकक्रप्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती? दोस्तों जियोपॉलिटिकल मास्टरी सीरीज की इस वीडियो में हम चाइना के इसी इकोनॉमिक ट्रैप को समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने सालों से टेस्ला भारत में क्यों नहीं आई और टेस्ला के साथ चाइना की आर्मी ने ऐसा क्या किया जो टेस्ला एकदम चाइना को छोड़कर भारत में आने का सोच रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों इस पूरे सिचुएशन को समझने से पहले चलिए थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये टेस्ला कंपनी के अंदर ऐसा है क्या जो इसे इतनी इम्पॉर्टेंट कंपनी बनाती है जिसकी डिमांड आज पूरे वर्ल्ड में है। इस कंपनी की शुरुआत मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टर्पेनिंग ने साल 2003 में किया था और जब एलन मस्क को इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल दिखा तब 2004 में एलन मस्क ने इस कंपनी के एक बड़े से हिस्से को खरीद लिया और फिर साल 2008 में खुद कंपनी के सीईओ बन गए। उसी साल एलन मस्क के सीईओ बनते ही जब टेस्ला ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल द रोडस्टर को लॉन्च किया तब इसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक महान इनोवेशन की तरह देखा जाने लगा क्योंकि ये दुनिया की पहली हाईवे लीगल इलेक्ट्रिक व्हीकल थी जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरी सेल्स इस्तेमाल किया गया था और ये बस एक चार्ज में 200 माइल्स यानी करीब 321 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। इस कार के मार्केट में आते ही ये हिट साबित हुई और इसी तरह फिर टेस्ला ने कई कार्स निकाले और जब यूएसए के अंदर बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा तब इस कंपनी ने यूएस से बाहर निकलने का सोचा और इलॉन मस्क की नज़र इंडिया पर पड़ी जहां साल 2015 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए गए तब पीएम मोदी ने इलॉन मस्क से मुलाकात किया। उस समय पूरी दुनिया ये सोचकर बैठी थी कि हमें जल्दी ही टेस्ला की गाड़ियां भारत के सड़कों पर देखने को मिलेगा, लेकिन टेस्ला के भारत आने की डील उस वक्त पूरी नहीं हो पाई जिसका कारण था इम्पोर्ट पर लगने वाला टैक्स। हमारे देश के अंदर अगर किसी दूसरे देश में कम्प्लीटली बिल्ट गाड़ी को इम्पोर्ट किया जाता है तब उस गाड़ी के ऊपर 60% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। अगर उसकी CIF वैल्यू $40,000 जो इंडियन रुपीस में 36 लाख रुपये हैं या उसके कम की है और अगर ये CIF वैल्यू $40,000 से ज़्यादा की है तो ऐसे में दोस्तों जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़कर 100% हो जाती है। अगर हम इसे टेस्ला के एग्जाम्पल से समझें तो टेस्ला की कार जो यूएसए में करीब $44,000 यानी 36 लाख रुपए से शुरू होती है अगर उसे इंडिया में लाकर इन टैक्सेस के साथ बेचा जाएगा है तो एक गाड़ी की कीमत करीब 60 से 70 लाख होगी
जो टेस्ला की शुरुआती कीमत है, और ये कीमत इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी महंगी होने के कारण इलॉन मस्क इसे भारत के अंदर लाने में झिझक रहे थे। जिस पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि अगर टेस्ला को भारत के अंदर अपनी गाड़ियां बिना हैवी टैक्सेस के बेचनी है तो उसे इंडिया में ही अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, या फिर कम से कम अपनी गाड़ी को इंडिया के अंदर असेंबल करना चाहिए। ऐसा करने पर भारत के अंदर जॉब्स जनरेट होंगी और टेस्ला को भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी होगी। जिस पर इलॉन मस्क का कहना था कि वो तब तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में नहीं खोलेंगे जब तक वो अपनी गाड़ियों को इंडियन मार्केट में टेस्ट न कर ले। यानी दोस्तों, उस समय जहां एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करो तब हम टैक्स में छूट देंगे, तो वही दूसरे तरफ इलॉन मस्क का कहना था कि आप पहले टैक्स कम करो ताकि हम इंडियन मार्केट में अपनी गाड़ियां बेच पाए, और फिर अगर हमें सब सही लगा तब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खोलेंगे। और दोस्तों, इसी दो अलग अलग ओपिनियन की वजह से आज तक टेस्ला जैसी पॉपुलर कंपनी की गाड़ी हमें भारत में देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों, जब इंडिया में टेस्ला की डील नहीं जमी तब इलॉन मस्क की नज़र चाइना पर पड़ी, जहां चाइना के अंदर रूल है कि अगर किसी दूसरे देश में कम्प्लीटली बिल्ड गाड़ी को इम्पोर्ट किया जाता है तब उस गाड़ी के ऊपर 40% टैरिफ लगाया जाता है, जो बिल्कुल इंडिया के इम्पोर्ट ड्यूटी की तरह होता है। और अगर किसी कंपनी को इस टैरिफ से छुटकारा चाहिए तब अगेन उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना के अंदर ही खोलनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, चाइना के अंदर एक पॉलिसी है कि अगर आप चाइना के अंदर बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप चाइना के अंदर बिजनेस कर पाओगे। और आज तक जितनी भी फॉरेन कंपनी चाइना गई है वो सब किसी न किसी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके ही गई है। लेकिन टेस्ला की पोटेंशियल को देखते हुए पहली बार चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने इस रूल को खारिज किया और टेस्ला को बिना किसी चाइनीज पार्टनर के अकेले बिजनेस सेटअप करने दिया गया, जिसका मतलब था कि अब टेस्ला चाइना के अंदर 100% अमेरिकन ओन्ड फैक्ट्री ओपन कर सकता था। और इस डील से खुश होकर फिर इलॉन मस्क, जिसे चाइना में इलेक्ट्रिक गाड़ियां का ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा था, उसने अक्टूबर 2019 में पहली बार यूएसए के बाहर चाइना के शंघाई शहर में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गिगा शंघाई खोला, जहां ये अपनी कार से जुड़ी हर एक चीज मैन्युफैक्चर करती है। और आज अगर हम इस कंपनी की बात करें तो अभी टेस्ला पूरे शंघाई के टोटल ऑटो प्रोडक्शन में 25% कंट्रीब्यूट करती है, जिसका मतलब हुआ कि आज शंघाई के अंदर बनने वाला हर चार में से एक टेस्ला कार है। और अब क्योंकि टेस्ला इतनी हिट साबित हुई, इसलिए टेस्ला ने अपने कंपनी के अंदर वर्कर्स के नंबर्स भी बढ़ाए और आज टेस्ला अपनी कंपनी के अंदर करीब 19,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध करा रही है। डाउनफॉल ऑफ टेस्ला। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां टेस्ला पूरे चाइना में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर से एक कंपनी निकलकर आई जिसका नाम था BYD, यानी बिल्ड योर ड्रीम्स, और ये टेस्ला को कड़ी टक्कर देने लगी। और क्योंकि ये कंपनी चाइना की है, इसलिए इस कंपनी को वहां के गवर्नमेंट ने भी जमकर प्रमोट किया, साथ ही ये कंपनी अपनी कार को टेस्ला से सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिससे लोग टेस्ला को छोड़कर BYD की तरफ देखने लगे। और दोस्तों, चाइना के अंदर एक ट्रेंड हमेशा से फॉलो की जाती है, जहां शुरुआत में तो चाइनीज गवर्नमेंट कंपनीज को ऑफर्स देकर अपने यहां लेकर आती है, लेकिन जैसे ही कोई चाइनीज कंपनी उस फील्ड में उतरती है वैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट बाहर की कंपनीज को परेशान करना शुरू कर देती है ताकि इससे चाइनीज कंपनीज को फायदा हो। और टेस्ला के केस में भी यही हुआ। जैसे ही BYD कंपनी टेस्ला को कंपटीशन देने के लिए तैयार हुई, वैसे ही साल 2021 में चाइनीज गवर्नमेंट ने टेस्ला कार्स को कई सारे लोकेशन पर बैन करना शुरू कर चाइनीज मिलिट्री ने, तो ये तक कहा कि वो टेस्ला की कार को मिलिट्री बेसेस और हाउसिंग कम्युनिटीज के अंदर पार्क तक नहीं करने देगी। और ये सब करने के पीछे चाइनीज ऑफिशियल्स ने ये रीजन दिया कि टेस्ला अपने कार में लगे कैमरे के जरिए लोगों की जासूसी कर रही है। हालांकि इलॉन मस्क ने इस पूरे क्लेम को बेबुनियाद बताया है, लेकिन इसके बावजूद टेस्ला को आज तक चाइना के कई सारे इलाकों में बैन करके रखा गया है। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ऐसे ही कई बार चाइनीज मीडिया टेस्ला की इमेज को खराब करने की
पूरी कोशिश करती आ रही है, जिससे डायरेक्ट फायदा BYD को हुआ और इसलिए BYD की ग्रोथ चाइना के अंदर काफी तेजी से हुई और अब ये कंपनी पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे फैलना शुरू कर चुकी है। लेकिन वही टेस्ला अब धीरे धीरे चाइना के मार्केट में पीछे होता जा रहा है और इसलिए इलॉन मस्क, जिन्होंने पहले भारत में आने का ऑफर ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो भारत में तब तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करेंगे जब तक वो इस मार्केट को सही से परख नहीं लेते, आज इलॉन मस्क इंडिया में आ रहे हैं ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए लोकेशन डिसाइड कर सके। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इलॉन मस्क के इस डिसीजन से चाइना को क्यों परेशान हो रहा है, आखिर वो क्यों टेस्ला को भारत आने से रोकना चाहते हैं। हिपोक्रेसी ऑफ चाइना। तो दोस्तों, असल में बात ऐसी है कि चाइना ये बात अच्छे से जानता है कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी है और इंडिया के अंदर अगर हम सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ही बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार ये इंडस्ट्री 2021 में $100 बिलियन की थी, जो 2027 तक $160 बिलियन की हो जाएगी, जहां इंडिया के अंदर ये मार्केट हर साल 8.10% से कंपाउंड होता जा रहा है। और इसलिए ही जुलाई 2023 में BYD कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी है, उसने इंडियन गवर्नमेंट को $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया, जहां इनका कहना था कि ये हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स LTD के साथ पार्टनरशिप करके भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहते हैं। लेकिन इस ऑफर को इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी BYD ने कहा कि वो इस साल भारत के 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कवर करने का प्लान कर रहे हैं और शायद से ये जल्दी ही इंडियन गवर्नमेंट को कोई और ऑफर दे। और ये कोई एकलौती कंपनी नहीं है जो इंडिया के अंदर अपना पैर पसारना चाहती है, बल्कि अभी साल 2020 में चाइनीज कार मेकर ग्रेट वॉल मोटर इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जनरल मोटर्स प्लांट को खरीदना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने हाईएस्ट बिड लगाया, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस डील को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। यानी एक तरफ चाहा अनेकों चाइनीज कंपनीज और BYD अपनी पूरी जोर लगा रही है ताकि वो इंडियन मार्केट में घुस सके, वही दूसरी तरफ चाइनीज मीडिया पूरे दुनिया को कहता फिर रहा है कि भारत के अंदर मत जाओ, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। यानी दोस्तों, आप यहां पर चाइना की इस हिपोक्रेसी को साफ तौर पर देख सकते हो, जहां से हमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि आखिर चाइना टेस्ला को क्यों हर हाल में भारत के अंदर आने से रोकना चाहती है, बेनिफिट फॉर इंडिया। लेकिन वही दोस्तों, अगर हम टेस्ला के भारत आने से पड़ने वाले इम्पैक्ट की बात करें तो ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगर टेस्ला भारत आती है तब ये कंपनी सिर्फ 2030 तक $3.6 बिलियन कमाने वाली है। साथ ही टेस्ला के भारत आने से न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बल्कि अब भारत के अंदर भी लोग सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीद पाएंगे, जिससे भारत की ऑयल और गैस पर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। वैसे दोस्तों, सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि इंडिया में हमारी लोकल कंपनीज जैसे टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रही है। बाकी दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को एलॉन मस्क को थोड़ा टैक्स में छूट देनी चाहिए या फिर एलॉन को स्टार्टिंग में ही इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को बोलना चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट में ज़रूर से बताओ।